हेलो एंड वेलकम टू टीवी का पटाखा। वेल दोस्तों, बिग बॉस सीजन 16 के मेकर्स को देने वाले हैं सलमान खान सबसे बड़ा झटका। जी हाँ, फिनाले के कुछ ही हफ्तों पहले शो को हमेशा हमेशा के लिए सलमान खान कह देंगे अलविदा। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है कि जल्द ही बिग बॉस को अलविदा कहने वाले हैं सलमान खान। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि आखिर अचानक से क्यों शो को अलविदा कह रहे हैं बीच में ही सलमान खान, और आखिर क्यों उनकी जगह पे किसी और को लाया जा रहा है, और आखिर वो कौन होगा जो बिग बॉस को अब होस्ट करेगा। इन सभी सवालों के जवाब देंगे हम आपको हमारे आज के इस खास वीडियो में। लेकिन उससे पहले चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वेल दोस्तों, आपको बता दें कि बिग बॉस सीजन 16 के लिए सलमान खान ने सिर्फ और सिर्फ 15 जनवरी तक की डेट्स को फाइनल किया था कि वो 15 जनवरी यानी कि आने वाले वीकेंड के बाद से ही नहीं करेंगे शूट। क्योंकि आपको बता दें कि 2023 में लगातार सलमान खान की 3 सबसे बड़ी फिल्में रिलीज होने वाली है, और यही वजह है कि सलमान खान अब बिग बॉस को होस्ट नहीं करेंगे। वहीं सलमान के बिग बॉस को छोड़कर जाने के वजह से साजिद खान भी शो से बाहर हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि बिग बॉस के घर के अंदर कोई ऐसा इंसान होस्ट करने वाला है शो, जिसके लिए साजिद खान को घर के बाहर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इसीलिए सलमान खान के जाने से पहले साजिद खान को घर से बाहर कर दिया गया, ताकि उनकी आगे की प्लानिंग पूरे तरीके से स्मूथ हो सके। साजिद खान को बाहर करने के बाद अब सलमान खान शो को छोड़ेंगे, ये खबर पूरे तरीके से पक्की हो चुकी है। और साजिद खान को इसीलिए शो से बाहर किया गया क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट अभी तक का ही था, जनवरी 12 तक ही उनका कॉन्ट्रैक्ट फाइनल था। और इसीलिए क्योंकि सलमान के बाद अब फराह खान बिग बॉस को होस्ट करने वाली थी, और अपने भाई को शो में देखने के बाद वो उनके अगेंस्ट कुछ भी नहीं बोल सकती थी। इसीलिए साजिद को पहले बाहर किया गया, फिर सलमान बाहर जाएंगे, और आपको 15 जनवरी के बाद फराह खान शो होस्ट करती हुई नजर आएंगी। क्या कहेंगे आप, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।